हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेखास किचन। आज हम बनाएंगे भरवा परवल। तो भरवा परवल के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये हमने परवल लिए हैं, फाइन चॉप किया हुआ प्याज। ये हमने परवल के अंदर जो ये देखिए खाली करके जो अंदर का बीज और जो गूदा है वो हमने ये ले लिया है। ऑयल ले लिया है, हरी मिर्ची इसे पीस लिया है, काली मिर्ची दरदरी पीसी हुई, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, साबुत जीरा, हल्दी पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर, नमक, गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, इन सब की मेजरमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट कुकिंग विद रेखा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मसाला बनाएंगे परवल में भरने के लिए। तो इसके लिए हमने कढ़ाई लगा दी है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा ऑयल, इसे गरम होने देते हैं। ये फ्रेंड्स, हमारा तेल गरम हो चुका है। इसमें डालेंगे हम साबुत जीरा, कटा हुआ प्याज, इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, रोस्टेड जीरा पाउडर, काली मिर्च। काली मिर्च ऑप्शनल है फ्रेंड्स, ये आप नहीं पसंद करते तो आप मत डालिए इसमें। हल्दी पाउडर, हरी मिर्ची जो हमने पीसी हुई थी, ये हम प्याज को 2-3 मिनट भून लेंगे पहले। ये फ्रेंड्स, हमने 2 मिनट प्याज को भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये जो परवल के अंदर का गूदा है, ये भी हम पका लेंगे इसी में। इसमें हम ऐड कर देंगे अमचूर पाउडर, गरम मसाला और नमक, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसे भी हम 3-4 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लेंगे। ये फ्रेंड्स, हमने इस मसाले को 2 मिनट तक भून लिया है। ये अब पक चुका है तो हम गैस बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम परवल की स्टफिंग करेंगे इससे। इसे अब ठंडा होने के लिए इसी तरह छोड़ देते हैं। ये फ्रेंड्स, हमारे परवल की स्टफिंग ठंडी हो चुकी है। अब हम परवल को भरना स्टार्ट करते हैं। इसको भरने के लिए हमें इस तरह से देखिए, मैंने कट लगाया हुआ है, अंदर से परवल को खाली किया है। परवल थोड़ा सा चम्मच में लेंगे, ये जो परवल की स्टफिंग है, और इसको इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे ये देखिए, और स्पून की हेल्प से इसे दबा के इस तरह से। आप चाहें तो परवल को धागे से बांध सकते हैं। ये देखिए, एक हमने भर दिया है। मैं एक और बनाकर दिखाती हूँ आपको। इसे इस तरह से खोल दीजिए हाथों से। ये हमारा दूसरा परवल रेडी हो गया। ये देखिए, इसी तरह से हम सभी परवल को स्टफ कर देंगे इस तरह से। ये फ्रेंड्स, हमने सभी परवल को भर दिया है अंदर से इस तरह से। अब हम इसे फ्राई करेंगे। ये फ्रेंड्स, हमने पैन लगा लिया है। इसमें हम डालेंगे ऑयल, थोड़ा
और ऑयल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम परवल को डाल देंगे इस तरह से। ये हमने सारे परवल इसमें डाल दिए हैं और जब ये एक साइड से पक जाएंगे तो हम इसे दूसरी साइड फ्लिप कर देंगे, बदल देंगे। ये एक साइड से पक चुके हैं तो हम इसे दूसरी साइड इस तरह से फ्लिप कर देंगे। गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे और इसे हम ढक्कन लगाकर इस तरह से पकने देंगे। और अब हमें इसे एक दो मिनट तक इसी तरह रखना है, फिर हम ढक्कन निकाल कर इसे फिर से फ्लिप करेंगे। ये फ्रेंड्स चेक कर लेते हैं परवल को एक बार, इसे एक बार फिर हम फ्लिप करेंगे, इस तरह से पलट देंगे। बाकी हमारा सब तरफ से ये पक चुका है इस तरह से। और अब हम फिर से इसे ढक्कन लगाकर दो तीन मिनट के लिए फिर पकाएंगे और गैस की फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, ये हमारे परवल बिल्कुल सब तरफ से पक चुके हैं। बस अब हम इन्हें सर्व करेंगे गैस बंद करके। ये फ्रेंड्स हमारे भरवा परवल बिल्कुल रेडी है, आप इसे घर पर जरूर ट्राई कीजिए। और यदि आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।